हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेस स्टडी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। फॉर्मुलेट द फ्लोइंग प्रॉब्लम एज पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हैंस फाइंड द सोल्यूशन। देखिए, टू वुमेन, सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है बच्चे। टू वुमेन कैन, फाइव मैन कैन टूगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन फोर डेज। टू वुमेन और फाइव मैन कैन टूगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन फोर डेज, वाइल थ्री वुमेन एंड सिक्स मैन कैन फिनिश इट थ्री डेज। हमारे पास दो वुमेन और फाइव मैन काम करते हैं मिलकर, तो वो कितने डेज में कंप्लीट कर देते हैं? फोर डेज में। जब थ्री वुमेन और सिक्स मैन लगते हैं तो वो कितने डेज में कर देते हैं? थ्री डेज में। फाइंड टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड आल्सो डैट टेकन बाय वन मैन अलोन। कि एक पर्सन, एक वुमेन और एक मैन अलोन, अकेला अकेला कितना काम करेगा? आपने कोई भी काम स्टार्ट किया तो आपके पास क्या काम किया, कितने पर्सन मिलकर काम किए? पहले था टू वुमेन और फाइव मैन ने मिलकर काम किया, कितने डेज में? फोर डेज में। और फिर थ्री और क्या था? सिक्स। थ्री वुमेन और सिक्स मैन ने मिलकर कितने दिन में किया? थ्री डेज में। क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास क्या थे? इंक्रीज थे। नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास क्या थे? इंक्रीज थे। जितने ज़्यादा पर्सन होंगे, काम करने में उतना कम समय लगेगा, उतना कम टाइम लगेगा हमें काम करने में। तो वो क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक एक अकेला पर्सन बताए, एक वुमेन बताए अकेली कितने में करेगी, और हमें एक मैन अकेला कितने में करेगा। वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो डैट टेकन बाय वन मैन अलोन। क्लियर? देखिए, लेट वन वूमेन कैन फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन एक्स डेज। हमने जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है, मैं हमेशा बच्चों को वही बताती हूँ कि वही आपको हमेशा क्या करना होता है, लेट करना होता है। हमने मान लिया लेट वन वूमेन कैन फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन एक्स डेज। कितने डेज में? एक्स डेज में। वन मैन कैन फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन वाइज डेज। क्लियर? अब इसको समझिए बच्चे, ये मेन है इसका। वन वुमेन कितने दिन में कंप्लीट करती है? हमने मान लिया एक्स डेज। और तो हमने पूछ लिया यहाँ पर, वन वुमेन वन डे वर्क कितना होगा? वन बाय एक्स। कितना होगा? वन बाय एक्स। ये कैसे आया हमारे पास? आप देखिए, आपने कोई भी, आपने कुछ एक, आपने टू डेज में काम कंप्लीट किया, आपने टू डेज में काम कंप्लीट किया, तो वन डेज में कितना किया होगा आपने? वन डे में कितना किया होगा? वन, और हमारे पास दो काम करने हैं आपको, तो आपने क्या किया? दो काम करने हैं, और दो काम के लिए आपको कितने दिन लगे? दो दिन। तो आप एक दिन में कितना काम करोगे? एक काम करोगे, और नेक्स्ट डे एक काम करोगे। टू डेज में टू वर्क क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? आप देखिए इसको कैसे लिख सकती हूँ, आप टोटल कितने डेज थे? टू, और वन में आपने कितना किया? एक काम किया। तो ये हमारे पास फंडा है लिखने का। क्लियर? ये बात ध्यान रखना, अगर आप जितना टोटल है वो नीचे आएगा, जितना एक दिन में कर रहे हो, ये डेज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डेज की। आपके पास टोटल डेज कितने थे? टू। आपने कितना किया? एक दिन में किया, तो एक दिन की बात हो रही थी, तो इसमें ऊपर क्या आ जाएगा? एक। क्लियर? टोटल हमेशा नीचे आएगी, और हमेशा जितना काम हम करते हैं, काम का मतलब जितना डेज में करा, जैसे फॉर एग्जांपल वन वुमेन वन डे वर्क, कितने डे काम किया? वन डे। वन ऊपर, और टोटल कितने डेज थे? एक्स। वन मैन वन डे, तो वन ऊपर और वाई नीचे, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल डेज नीचे आएंगे। वन डे का वर्क निकाल तो वन ऊपर, टू डे का आपने चार दिन किया और दो दिन किया, तो दो ऊपर, और टोटल में से आपने चार में से कितने दिन किया? दो दिन। क्लियर हो गया? ऐसे हमने करना है,
देखिए अब कितने वुमेन, ये वन वुमेन का था, टू का था, थ्री का था, देखिए टू वुमेन एंड फाइव मैन टू कैन टूगेदर फिनिश एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क इन फोर डेज। फोर डेज में तो कितना हो गया हमारे पास, टू बाई एक्स प्लस फाइव बाई वाई इक्वल टू वन बाई फोर, इक्वल टू वन बाई फोर, थ्री बाई एक्स प्लस सिक्स बाई वाई इक्वल टू वन बाई थ्री, क्योंकि दोनों ने मिलकर किया इसलिए यहाँ पर क्या आया प्लस। तो ये मेरे पास देखिए इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। आपने एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन किया होगा जिस बच्चे ने वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी है तो ये सभी क्वेश्चन करने से पहले आप 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन के सभी कंप्लीट पार्ट्स को देखिए तो आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड है ये, तो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया क्या थी हमारे पास, वन वूमेन कितना करता है एक्स डेज, वन मैन वाई डेज, वन मैन वन डे इक्वल टू वन बाई एक्स, वन मैन वन डे इक्वल टू वन बाई वाई, क्लियर। टू बाई एक्स प्लस फाइव बाई वाई इक्वल टू वन बाई फोर, क्लियर। तो आप देखिए यहाँ पर पुट करते हैं, हमेशा हमारे पास क्वेश्चन सही करने के लिए हमेशा ये x और y कहाँ होने चाहिए, ऊपर होने चाहिए, बट ये कहाँ पर है, नीचे। अगर ये नीचे है तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी आपके पास, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है जब भी ऊपर और नीचे कोई भी कांस्टेंट हो हमें उसको नहीं लेना, अगर कोई प्लस या माइनस में है फिर वो लेना पड़ता है, वो सेम होंगे, क्लियर। तो आप देखिए यहाँ पर भी क्या है x, यहाँ पर भी क्या है x, हमेशा पुट करते हैं, ऊपर हमेशा वन लेते हैं, नीचे क्या है x, तो वन बाय x इक्वल टू a, वन बाय y इक्वल टू b, वन बाय y इक्वल टू b। तो आप देखिए यहाँ पर आप क्या इक्वेशन बनेगी आपके पास, 2a प्लस में 5b इक्वल टू वन बाय फोर, फोर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, कीजिए 8a प्लस में 20b इक्वल टू वन, क्योंकि जब भी इक्वल के साइड कोई भी टर्म है तो वो सभी से मल्टीप्लाई होगी, अगर डिवाइड में, अगर डिवाइड ऊपर है तो सभी से डिवाइड होगी, अगर मल्टीप्लाई में है तो, क्लियर। देखिए हमारे पास 3a प्लस में 6b इक्वल टू वन बाय थ्री, तो ये कितना आया 9a प्लस 18b इक्वल टू वन, इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर फोर, इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर फोर। देखिए हमने क्या किया, दोबारा रिपीट करते हैं, वन बाय एक्स को क्या लिया a, वन बाय वाई को क्या लिया हमने b, और हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई 2a प्लस में 5b, 2a प्लस में 5b इक्वल टू वन बाय फोर, और हमने क्या किया 8a प्लस 20 कैसे आया आपके पास, मल्टीप्लाई करके कितना आया 8a प्लस में 20 इक्वल टू वन, 9a प्लस 18b इक्वल टू फोर, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। आप किसी भी मेथड से इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या 8a, ये क्या है हमारे पास 9a, ये दोनों किसी भी टेबल में नहीं आते, और हमें इनको क्या करना है सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड लगा सकते हैं, आप एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, मैं a वाली टर्म को इक्वल कर रही हूँ, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन थर्ड बाय 9 एंड इक्वेशन फोर्थ बाय 8, क्लियर। करिए मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख दे, तो इसको किससे करेंगे 9 से, और इसको किससे करेंगे 8 से, क्लियर। ये कितना हो गया 72a प्लस में 180b इक्वल टू 9, आप 8 से करिए, 8 से करेंगे तो कितना आएगा 72a, 88 जा 64, 8 और 6 कितने हुए आपके पास 14 प्लस में b इक्वल टू 8, क्लियर। तो हम इक्वेशन क्या करेंगे इनको, देन
सब्ट्रैक्ट, आप लिख लेना देन सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए आपके पास कितना आएगा। ये बच्चों ए है, थोड़ा नीचे होने की वजह से देखिए ए, ये माइनस किया तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस कीजिए सब्ट्रैक्ट, कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास। 10 में से 4 कितना आया, 6, और यहाँ पर 7, 7 में से 4, 36, बी इक्वल टू 1, 36 बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 1/36। बी की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 1/36। क्लियर, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। पुट दिस वैल्यू आप इसमें भी कर सकते हो, देखिए इसमें भी कर सकते हो फोर्थ में। क्यों, पुट बी इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन 4। मैंने थर्ड में क्यों नहीं किया बच्चों और फोर्थ में ही क्यों किया, क्योंकि आपके पास थर्ड में करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, बट मैंने देखा अगर b को यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1/36 से, तो 18 से 36 कैंसिल हो जाएगा तो वो इजी हो जाएगा। देखिए 9a प्लस में 18b इक्वल टू 1, 9a प्लस 18 मल्टीप्लाई 1/36 इक्वल टू 1, 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, तो 9a इक्वल टू 1-1/2, क्योंकि ये प्लस के 1/2 आया, इक्वल टू बे 1, तो यहाँ पर 1-1/2, तो एलसीएम लिया तो कितना आया हमारे पास 2, 2-1 कितना आ गया हमारे पास 1/2, 9a इक्वल टू 1/2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 मल्टीप्लाई में 9 इक्वल टू 1/18। देखिए कैसे हमारे पास a की वैल्यू कैसे आई है, यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई में था, इक्वल के इस साइड रूल वही लगेंगे बच्चों, सेम रूल लगेंगे, मल्टीप्लाई में है तो कितने में चल जाएगी, डिवाइड में हमारे पास। क्लियर, यहाँ से आगे देखिए आप, हमारे पास a और b की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1/18, और b की वैल्यू कितनी आई है 1/36, तो हमारे पास 1/x कितना था 1/18, a था हमारे पास, तो x ऊपर करेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल, x की वैल्यू 18 आ गई हमारे पास, तो हमारे पास 1/y कितना था b कितना है 1/36, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 36। तो हम कह सकते हैं यहाँ से वन वूमेन कैन फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 18 डेज एंड वन मैन कैन फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 36 डेज। हमने एक बार रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को, देखिए वन वूमेन एक्स डेज में, वन मैन वाई डेज में, तो हमने वन वूमेन वन डे में 1/x, वन मैन वन डे में 1/y इक्वेशन बनाई, 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4, 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3, पुट किया 1/x को ए, 1/y को बी, इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन को हमने किससे सॉल्व किया, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से हमें किसी भी डिजिट को सेम करना होता है और फिर कैंसिल आउट करके हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, बी की, और पुटिंग करके किसकी वैल्यू आई, ए की। तो हम कह सकते हैं वन वूमेन कैन फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 18 डेज और मैन कितने डेज में कर सकता है, 36 डेज में। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट।